भैया इतनी भी क्या जल्दी थी, कपड़े पहन के आराम से आते ना, उतावला हो गए थे आने के लिए। ओ टकले, पानी खत्म हो गया, कैसे नहाऊंगा, पानी खत्म हो गया। टकले, क्या पानी खत्म हो गया? इसका मतलब दया टंकी खाली हो गई। सर आप क्या कोई बाबा उबा बन रहे हैं क्या? आपका ये जुड़वा भाई का फोटो है, देखिए तो जरा, मार्केट में खूब आजकल फैल रही है। दया ये फोटो देख के तो कुछ समझ में आ रहा है, तुमको कुछ समझ में आ रहा है दया? हाँ टकले, मेरे को तो समझ में आ रहा है, टंकी की तरह तेरा दिमाग भी खाली है। फूल खिल गए, घटा छा गई, फूल खिल गए, घटा छा गई। क्या दया, एक्सरे का रिपोर्ट आ गई? वाह सर, क्या साड़ी का है, वाह। आपको ये साड़ी देखते हुए मेरे को भी एक साड़ी कहने का मन आ रहा है। ये टकले पे क्या कभी आएगा बाल, ये टकले पे क्या कभी आएगा बाल, या सच में होगा एक्सरे का कमाल। सर एक्सरे का रिपोर्ट आ गया, उस आदमी के पेट में से गोली मिला है सर। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब उसके पेट में गोली लगी थी। हाँ टकले, उसके पेट में गोली ही लगी थी, मैं क्या कह रहा हूँ कि रजनीकांत ने चाकू मारा था। दया गड़बड़ है दया, गड़बड़ बहुत गड़बड़ है दया, समझे, बहुत गड़बड़ है। अरे यार तुमको कल ही बोला था, पूरा जितना गड़बड़ उड़बड़ है घर में करके आया करो यार, सुबह सुबह यहाँ चले आते हो, गड़बड़ है गड़बड़ है, कितना गड़बड़ करोगे? रात को ज्यादा चटनी खाओगे तो सुबह में गड़बड़ होगा ही, सारा दिन हम लोग को पकाते रहते हो, गड़बड़ है गड़बड़ है। भाई लोग, आप लोगों को पता है 20 साल में दो चीज कभी नहीं बदला, एक एसीपी प्रतुमन, दूसरा एसीपी प्रतुमन। साला ये बुड्ढा जब तक जिंदा रहेगा हम लोग को फैमिली नहीं बनने देगा। कभी देखा है सीआईडी में हम लोग को फैमिली के बारे में दिखाते हुए? कभी नहीं दिखा था, पता नहीं है कब मरेगा बुड्ढा। जब से सीआईडी में भर्ती हुआ हूँ चैन की नींद नहीं आती मुझे। सुबह सुबह एक आदमी फोन करता है, भाई साहब मेरी बीवी फांसी लगा रही है, आइए मेरी बीवी को बचाइए। मैं बोला 10,000 रुपये लूंगा, बोलता है रहने दीजिए, फिर बीवी 5,000 मांग रही थी तो नहीं दिया, तभी तो फांसी लगा रही है। ऐसा ऐसा आदमी को अपने गैंग में रखा है कि क्या बताऊं। कंप्यूटर ऑन करते ही फिंगरप्रिंट ऑटोमेटिक निकलने लगते हैं, और कंप्यूटर टच करो ही ना, अपने आप फिंगरप्रिंट निकलना स्टार्ट। दोस्तों इस वीडियो में सैडी के ऊपर बने कॉमेडी को देखते हुए आप अपने मन में किसी भी तरह की गलत भावना को मत रखिएगा, ये सिर्फ फनी कॉमेडी के लिए बनाई गई है।